हाँ दीदी, ये है कहो बिहीन आलू तो इकर साइज रहला 2.5 सेंटीमीटर के लगभग। अगर इकर से छोटका या तो इकर से बड़का लगा ले कैसे होता हो? तो इकर से छोटका रहता हूँ होले उकर से गाछी छोटे छोटे निकलता हूँ, आज बड़ बड़ रहता हूँ तो उकर में ज्यादा बिहीन लगता हूँ, ज्यादा पैसा खर्चा होता हूँ। वो तो होता हो। अच्छा दादा, ये आलू का अंकुर कैसे होते है? हाँ दीदी, तो पहले हम इन पूरा के का करबे कि बिछाए लेबे, पतला से बिछाए लेबे ऐसे करके, और ऊपर ऊपर से आलू के हम इन उझेल देबे। अगर आलू के एक जगह ऐसा खुदाई के यार पूरा ढाई दे लेना चलता हो? नहीं दीदी, ऊपर में होले हो कि से आलू के पतला पतला बिछाबे, माने ज्यादा चिपा नहीं से तनिक कुन ज्यादा जते पतला रहता हूँ ना, हाँ उतने में ज्यादा अंकुर निकल, पतला पतला बिछा कर बाद दीदी पूरा सही के हम इन ढाई देबे। अच्छा दादा, ये अंकुर कितना दिन में होते? इकर अंकुर पूरा से हम बढ़िया से ढाई देवे, उकर बाद फिर ये 10 से 15 दिन में इकर में अंकुर हो जाते रोपे को तय गोगो। अच्छा। इकर से घास बन के भी निकला ले लिए और जुताई भी कर दिलिए 2 बार, अब इकर में चूना और गोबर के डालबे, 1 डिसमिल में गोबर डालबे 15 से 20 किलो और चूना डाल भाई 2 से 3 किलो। अब इकर में 15 से 20 दिन कर बाद में हम इन आलू कर रोपाई करबे, चूना के हम इन वहे ले डाल के छोड़ दिए ला कि मिट्टी में बढ़िया से मिल जाते और मिट्टी कर जे अम्लीयता है इसके खत्म करके क्षारीयता के बढ़ाते। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी, ये तो बीज अब अंकुरित हो गया, इके अब हम इन रोपे से पहले कैसे बीज अमृत से हम इन बीज उपचार करेला सके बताते। अमृत से उकर अंकुरण क्षमता बढ़ौला और मिट्टी में रहे वाला जे बीमारी में रहला सके दूर करौला, और जे फफूंद इकर में फफूंद बीमारी होला फफूंद से होए वाला बीमारी सके ही दूर करौला। दीदी के बीजामृत से हम इन छिड़क दिएला और इके चलाए के इके साइन दिएला, अभी के सूत्री बोरा में लगाए के आधा घंटा तक इके सूखे ले देबे। ये देखिन दीदी, ये पहले को लाइन खींचे सेकर में 5 इंच कर गहराई हो, और ये हो दीदी 7 इंच चौड़ाई। ठीक है। हाँ दीदी, आप हमें निकल लंबाई नाप भाई 5 फीट ले के धर दे। ये देख दीदी, ये जगह 5 फीट हुआ था। ये देख दीदी, अभी नापा गए लो, अभी कर में हमें नापले कर हिसाब से दर खींच भाई। ठीक है। देख दीदी, पहले हमें इके नाप ले भाई, आलू से आलू कर बीच कर दूरी कते होते 6 इंच, और इकर में राख ले भाई। गोबर खाद है को इके थोड़ा थोड़ा लगा दे भाई, और खुरपी से गाड़ दे भाई। दीदी इके हम इन खुरपी से दर कर किनारे ऐसा करके रोपियला, ऐसा रोपले समय तो लगेला लेकिन सब पौधा बराबर से निकलेला और सबके बराबर नमी मिलेला, पटवन करे पर भी इकर में सब पौधा के बराबर से पानी मिलेला। ठीक है दादा, इतना ही अच्छा जानकारी दिले, अब हमहू रोपबे और अच्छा उपज पाबे।